गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आगे बात करते हैं कि जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने बात ही स्टार्ट की थी कि केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, और उसका फर्स्ट करेक्टर अपन ने बात की थी एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर में आपको बताया था कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले जो नाइट्रो एल्केन्स हैं उनका क्या होता है कि एसिडिक बिहेव होता है, यानी कि वो एसिडिक बिहेव शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब दूसरी बात यह आती है कि भाई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम की संख्या घटने के साथ क्या होती है कि इनकी एसिड स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। कि जैसे आपको एग्जांपल दिए थे कि नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन और नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये इनका आपको बताया था कि भाई किस रीजन से होती है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई नाइट्रो एल्केन, इसका कारण क्या बताया था कि जो नाइट्रो एल्केन होती है उनमें क्या पाई जाती है, चलावते, यानी कि टोटोमेरिज्म पाई जाती है, ठीक है। तो उस कारण से इनमें ऐसा होता है। फिर इनकी चलावेता के लिए आपको बताया था कि भी किस तरह से एग्जाम्पल बताए थे यहाँ पर, ठीक है, कि नाइट्रो एल्केन का आपको एक उदाहरण दिया था कि यहाँ पर इसमें रीअरेंजमेंट से आपको किस तरह से यहाँ पर इनोलेट आयन यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इनोलेट आयन फॉर्म होता है वो क्या है कि क्या होता है, स्टेबल होता है किसके रीजन से, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो दूसरी बात अपन ने की थी कि जो नाइट्रो एल्केन है उनके एसिडिक होने का रीजन यहाँ पर टू रीजन अपन ने बताए थे कि भाई जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का क्या है कि इस पर क्या होगा कि माइनस आई इफेक्ट होता है इसके कारण से, और माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। दूसरा क्या बताया था कि एक प्रोटॉन के निकलने के बाद, यानी कि इसमें से एक प्रोटॉन एलिमिनेट होने के बाद क्या है कि जो कार्बनिन आयन जो यहाँ पर फॉर्म होता है वो क्या है कि रेजोनेंस से क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि इन दो रीजन से क्या है कि भाई जो नाइट्रो एल्केन्स जो होती है वो क्या होती है, एसिडिक बिहेव शो करती है। तो ये बात अपनी लास्ट वीडियो में हो चुकी थी। इसके बाद अपने जो इसका नाइट्रो एल्केन के जो सोडियम साल्ट हैं यहाँ पर जो फॉर्म किए थे उनका क्या है कि एसिडिनेशन कराएं, तो ऐसी नाइट्रो एल्केन बनते हैं जो क्या होते हैं कि स्ट्रोंग एसिड होते हैं, और उसके बारे में आपको इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स थी और यहाँ पर ऐसी नाइट्रोमेथेन का फॉर्मेशन आपको बताया था। अब बात करते हैं अपने ऐसी नाइट्रो जो व्युत्पन्न यहाँ पर फॉर्म होते हैं या नाइट्रो इनोलेट यहाँ पर फॉर्म होते हैं वो क्या है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर जो क्या फॉर्म होता है कि एसो ऐसी नाइट्रो डेरिवेटिव या क्या है कि इनोलेट, ठीक है, नाइट्रो इनोलेट जो यहाँ पर फॉर्म होता है वो क्या है कि नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो उस रीजन से क्या है कि इसकी जो रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट जो बात आती है अपनी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या है कि ऐसी नाइट्रो नाइट्रो व्युत्पन्न क्या है कि किसकी तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। रिएक्शन इन विच ऐसी नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव्स बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो नाइट्रो इनोलेट जो साल्ट होता है, ठीक है, तो नाइट्रो इनोलेट साल्ट में क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या है कि ये शीघ्रता से जुड़ता है, यानी कि एक तरह से क्या करता है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है, ठीक है, और एल्डोन कंडेंसेशन टाइप की क्या है कि अभिक्रिया संपन्न करता है, ठीक है, और क्या फॉर्म करता है यहाँ पर नाइट्रो एल्केन यहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक एल्किन के साथ जुड़कर क्या करता है ये कि मिसेल कंडेंसेशन टाइप की अभिक्रिया संपन्न करता है। तो इस तरह से क्या है कि इसकी ये दोनों रिएक्शन क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक की तरह बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने एग्जांपल सहित बात करते हैं अभी, ठीक है, तो पहले इसको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अपने एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी का, ऐसी नाइट्रो डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स या नाइट्रो इनोलेट इनोलेट्स
न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तथा इलेक्ट्रोफाइल। की तरह या सॉरी इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह, बोथ दोनों की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे अपने यहां पर व्यवहार करता है, अतः दो प्रकार, टू टाइप्स, दो प्रकार की रिएक्शन अभिक्रिया दर्शाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आती है ए रिएक्शन इन विच एसी नाइट्रो एल्केन एसी नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव सॉरी ई आएगी ना डेरिवेटिव्स बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या है कि ऐसी नाइट्रो व्युत्पन्न नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, हिंदी भी लिख देता हूं मैं यहां पर। वे अभिक्रियाएं जिनमें एसी नाइट्रो एल्केन व्युत्पन्न नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं में क्या है कि जो नाइट्रो इनोलेट साल्ट है वो क्या है नाइट्रो इनोलेट साल्ट, नाइट्रो इनोलेट साल्ट कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन वाला कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन ये वाला। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के साथ शीघ्रता से ऐड होता है। ठीक है, और एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल संघनन
एल्डोन कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन संपन्न करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अपने रिएक्शन ले, तो रिएक्शन अपने एल्डिहाइड से करा रहे हैं कि अपने क्या ले लिया एल्डिहाइड, ठीक है, और नाइट्रो इनोलेट साल्ट क्या है आर सी एच, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, माइनस सॉरी बॉन्ड एन प्लस ओ माइनस और डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इधर आएंगे, ठीक है, तो इधर आएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कार्ब एनायन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर ये और इसका इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, कि भाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक, कहाँ अटैक करेगा कि जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको क्या फॉर्म होगा आर सी एच, ठीक है, ओ एच, जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी कि किसी क्षार के प्रेजेंस में होगी, और यहां पर क्या रहेगा एच ओ एच, ठीक है, एपस क्षार कोई भी सी एच आर और एन ओ माइनस और यहाँ पर क्या रहेगा डबल बॉन्ड ओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा ये बीटा नाइट्रो एल्किनोल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, बीटा नाइट्रो एल्किनोल यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा, कि यहाँ नेगेटिव चार्ज जाएगा तो यहाँ से क्या होगा कि एक प्रोटोन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, वाटर से एक प्रोटोन आ जाएगा, ठीक, तो इस तरह से क्या होगा कि ये यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो इसी प्रकार ये क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक एल्किन के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक जो एल्किन्स हैं उसके साथ जुड़कर क्या है कि जो मिकिल, ठीक है, संघनन प्रकार की रिएक्शन यहाँ पर ये देता है, ठीक है, तो मिकिल प्रकार की जो रिएक्शन वो कैसे होगी यहाँ पर, इसी प्रकार ये इलेक्ट्रोफिलिक एल्किन एल्किन के साथ एडिशन कर मिकिल मिकिल कंडेंसेशन कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है कि अब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एल्किन होगी और ये किस की तरह करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा यहां पर, ठीक है, आर सी एच CH, ये अपनी इस पे डैश लगाया और COOC2H5, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन किसके साथ नाइट्रो इनोलेट साल्ट के साथ कराएंगे,
तो R सी एच, इस पर नेगेटिव चार्ज, N प्लस O माइनस और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये रिएक्शन में किसकी प्रेजेंस में होती है, बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, R डैश सी एच, ठीक है, सी एच टू, सॉरी हाँ सी एच टू सी ओ सी टू एच फाइव, और यहाँ पर कौन अटैच होगा, अब ये अटैच होगा यहाँ पर, तो सी एच आर और एन ओ टू, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल पर ये अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एल्किन पर अटैक करेगा। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर कि ये कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है कि रिएक्शन जिनमें क्या है कि एसी नाइट्रो डेरिवेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।